गाइस, जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएन की एक बैठक चल रही थी और उसी वक्त असेंबली हॉल में अचानक से एक डायनासोर की एंट्री होती है। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, विलुप्त हो चुके डायनासोर को देखकर हॉल में मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। पर वो डायनासोर किसी को मारने नहीं आया था, बल्कि उस मंच से लोगों को जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में बताने आया था। उसने अपने भाषण में कहा कि हम हजारों साल पहले विलुप्त हो गए थे, अब आप भी इसी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। असल में ये सब यूएन असेंबली में अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत किया गया था। बॉलीवुड के बाबू भैया यानी कि परेश रावल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी को देखते ही प्यार हो गया था, पर मजे की बात ये थी कि जिस कंपनी में वो काम करते थे उनकी पत्नी उसी कंपनी के बॉस की बेटी थी। फिर भी परेश रावल डरे नहीं और उन्होंने ठान लिया कि शादी करूंगा तो इसी के साथ, और उन्होंने वही किया। गाइस, आपको परेश रावल की ये दीवानगी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहां एक ओर भारत में 5G आने वाला है, वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। लेकिन जापान ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब में टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट प्रति सेकेंड आई है। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक सेकंड में एक यूजर 57,000 से ज्यादा फिल्में डाउनलोड कर सकता है। किसी को गले लगाना हेल्थ के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप किसी को 10 सेकंड के लिए भी गले लगाते हैं तो ये दोनों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अवसाद को कम करता है और थकान को कम करने में मदद करता है। और अगर आपने किसी को 20 सेकंड के लिए गले लगाया तो ये टेंशन को, ब्लड प्रेशर को और हार्ट बीट को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि गले लगाने से लव हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन का स्तर बढ़ जाता है। तो गाइज, अभी आप किसको गले लगाने वाले हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइज, आजकल बहुत से लोगों को कब्ज और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और ये सब होता है डाइजेशन सिस्टम के खराब होने की वजह से। और अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है और अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए घरेलू उपाय है। आपको क्या करना है, आपको गुड़ के साथ चने को खाना है। गुड़ और चने का ये कॉम्बिनेशन फाइबर से भरपूर होता है जो कि आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर देगा। इसके अलावा अगर आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं और अपने शरीर में कैल्शियम की पूर्ति करना चाहते हैं तो आपको कीवी फ्रूट खाना चाहिए। कीवी फ्रूट में विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति भी करता है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।